शुपियान को एक ताज बख्शा है साउथ कश्मीर के लोगों ने, जो भी उस वक्त के दीनदार और दुनियादार आदमी थे, खुसूसन गरीब। ये तवारीखी जामिया मस्जिद आज से 85 ईयर्स की बनी हुई है। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद थी, उस वक़्त यहाँ के लोगों के पास ज़रिए आमदनी बहुत कम थी, मगर शौक और जोश की वजह से उन्होंने इस शुपियान को एक ताज बख्शा है साउथ कश्मीर के लोगों ने, जो भी उस वक़्त के दीनदार और दुनियादार आदमी थे, खुसूसन गरीब लोगों ने उस वक़्त के कम आमदनी के होते हुए भी ये जामिया मस्जिद तामीर किया है। बाकी मस्जिद तो बनाया है दिल्ली की शाही जहाँ ने, श्रीनगर की बनाया है सुल्तान सिकंदर शाह ने। ये जामिया मस्जिद ये लोगों की फजल करम है, खुद अल्लाह का फजल करम है, लोगों की देन से, लोगों की मोहब्बत से जामिया मस्जिद से बनाई गई है। इसमें जो भी लोग आते हैं बहुत सुकून और अपनी मुरादें पूरे करके घर वापस जाते हैं, बहुत सुकून से। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ पर चार डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते थे और आज भी आते हैं, क्योंकि हालात तो ख़राब थे इस वजह से लोग कम थे, अब तो बहुत लोग आते हैं। हम तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, उस वक्त के मौली साहब थे मौली महमदुल्ला साहब, उसके बाद था मौली गुल साहब हमीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज तो मौली रिजवान साहब है। ये एक शुपियान की आन बान और शान है हिंदुस्तान में, ये लोगों की ही देन है, गाँव वालों की देन है, गाँव वालों ने इसमें बहुत बारस कंट्रीब्यूशन दिया है। उसके लिए हम अल्लाह से दुआ यही करते हैं, जिन लोगों ने जामिया मस्जिद बनाया है उनको अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता करे। आज लोग ये बिला मजहब मिलवे लोग देखने आते हैं तवारीखी जामिया मस्जिद, क्योंकि नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया पर भी मैंने 2-3 सालों से ज़बरदस्त हाईलाइट ये मस्जिद किया है। इसलिए हम लोगों के ही ताउन से जामिया मस्जिद को रिनोवेशन और इनोवेशन हो गया, मगर अभी इसको बहुत काम उन्होंने बना कर रखा है, अब इसमें बहुत काम और करने की ज़रूरत है। जज़ाकअल्लाह। غلام رسول ملک مے گئی یہ 60 ہزی آج نماز پڑھان تو یہ شپین جامع مسجد یہ شپین سن تاج تو یس مسجد شریف اخ صفت یہ سٹھا انتہائی سکون دن نماز پڑھنس یہ انتہائی سکون دن تو یہ دور دور پہ لک بیس مسجد شریف بیاکھ صفت یہ پرانو بزرگو نماز پڑھم تم دعا کورمت اس یور یہ تمس اس حاجت آس سہ حاجت گھر تمس خدا تعالیٰ پور کر تو لہٰذا کن اس کانس کی مشکل آسان سہ نظر نیاز ترا تو تم سن تم مسل حل گھن یہ تواریخی جامع مسجد یہ انڈیا من ترمس نمبر پہ یہ سا یہ یہ امہ سا یہ سا یہ مارکیٹس تم سی مارکیٹ تھی چلان مارکیٹس تھی فائدے امہ سی لکان یہ لول یہ سا مسجد شریف لول لک دور دور پہ تو یہ سن یہ کاربارس من تھی اضافہ گسان تو لکن یہ اطمینان سان نماز تڑان اطمینان اطمینان کلب یہ مسجد شریف من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب سے بچپن سے لے کے آج تک تو میں ہر جمعہ یہاں ہی پڑھ رہا ہوں نماز یہاں شوپیان کی جو جامع مسجد ہیں جس دیکھا ہم نے کہ ایک تو شوپیان ڈسٹرکٹ کے لوگ شوپیان ڈسٹرکٹ کے علاوہ باقی ڈسٹرکٹوں سے لوگ یہاں آتے ہیں جمعہ کے روز نماز پڑھنے کے لیے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہاں لوگ ایسی عاجزی کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا یہاں کرتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے۔ اگر میں اپنی بات کہوں تو اگر کوئی بھی مشکل آتا ہے مجھے تو میں یہاں آتا ہوں تو یہاں سے یہاں اس مسجد شریف میں دعا مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ مسجد جو بنائی گئی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شوپیان ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے بنائی ہے یہاں پہ، اور اس وقت دیکھیے کہ غربت کا عالم تھا یہاں پہ، تو لوگوں نے اپنے زیورات بھیج کے تو خود یہاں مزدوری کر کے اس مسجد شریف کو تعمیر کیا ہے حلال طریقے سے۔ تو ہم نے دیکھا ہے پکھر پور سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، بڑگام سے لوگ یہاں آتے دیکھا ہے میں نے،
वो जुमा के रोज़ यहाँ आते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करेंगे वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं, हत्ता कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के भी लोग यहाँ आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसको 50 साल 60 साल यहाँ आते हुए यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी बदौलत से ही हमारे दुआओं को कबूल करता है। जब वो आमीन करते हैं तो हमारी मुश्किलात भी हल हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से ही यही बात आम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि आम लोगों को पता ही नहीं, वो यहाँ आ जाए। शोपियान की जो जामा मस्जिद है, तो यह अजीम जामा मस्जिद है यहाँ पर, तो यहाँ आके इबादत कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला कबूल करेगा इसी जामा मस्जिद की बदौलत से।